गूगल एडसेंस आईडी वेरिफिकेशन इस वीडियो में लाइव आपको करके दिखाऊंगा गाइज। यहाँ पे जब आपके $10 हो जाते हैं एडसेंस के ऊपर तो आपको ये प्रोसेस करनी ही पड़ती है, जिसके बाद आपकी पेमेंट्स आती हैं। तो जैसे ही $10 प्लस होते हैं आपको इस तरह की नोटिफिकेशन दिखती है, एक्शन का बटन जो ऊपर दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो इस पेज पे आओगे, यहाँ पे लिखा होगा रेड कलर में वेरीफाई योर आइडेंटिटी, उस पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से एक फॉर्म खुलेगा छोटा सा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा। या तो आप पासपोर्ट लगाओ या पैन कार्ड लगाओ, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड बिल्कुल नहीं लगाना है। बस उसको यहां से अपलोड पे क्लिक करके अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट कर दोगे, यहां पे आपका जो आईडी वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो रनिंग में चला जाएगा, रिव्यू में चला जाएगा। देखिए इसके आपको सिर्फ लिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं, तो बहुत ही केयरफुल करिएगा, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है केयरफुल चला गया है, प्रोसेस में है, लेकिन यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ अटैम्प्ट, तो आपको ये बिल्कुल गलत नहीं करना है। अपनी आईडी वेरिफिकेशन में जो जैसे जैसे आपके आईडी के ऊपर आपका एड्रेस, आपका नाम, हर चीज़ लिखी है, वैसे ही बिल्कुल आपको यहाँ पर भी फिलअप करनी है और फिर उसी सेम आईडी को अपलोड यहाँ पे करना है। लेकिन सिंपल फ़ोटो अगर आप अपलोड करोगे तो हो सकता है वो एक्सेप्ट ना हो, तो कोशिश ये करें, मेरा सजेशन है मेरे एक्सपीरियंस से, कि आप यहाँ पे जो है वो स्कैन करके, अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अटैच करें तो ज़्यादा बेटर है। और जैसे ही अपडेट हो जाता है मैं आपको वो भी बता दूंगा। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना।